इसके बाल बहुत बड़े हुए हैं। जो है थोड़ी देर, जो है अच्छा मैं आपको ना, हाँ टर्टल वाली सुना रही थी मैं, इसको बड़ी मजे की। जेरी जो है सुनो बात, जेरी के सामने तो कोई भी नहीं लग रही, अरे ना के सामने तो कोई भी। अच्छा इधर करो, मैं आती ना नेल्स पर, इधर करो चलो। मैं मामा की तरफ है ना, इसके स्कूल में ना सारे जो है ना वो कहते हैं कि जाइना एक कॉटन बर्ड्स भी लाइएगा प्लीज। अच्छा मैं आपको ना स्टोरी सुनाने लगी हूँ। एक ना वो टर्टल नहीं था, स्टोरी नहीं। हाँ नहीं सुनाऊँ क्या? सुनाऊँ मेरे बेटे को, जरा आपके नेल्स चेक होते हैं स्कूल में, होते हैं नहीं, थोड़े थोड़े बाद, थोड़े थोड़े बाद मतलब पीछे चेक करती है। कभी कभी स्टोरी ना सुनाए। आपने अच्छा नहीं सुना आपने? बचपन की बातें है। अच्छा मैं आपके बचपन, ये सिंचन पिंचन की तरह ना बोलो मेरे साथ। अच्छा जब मैं छोटी होती थी ना तो मैं नेल बाइटर थी, पता? जरूर पापा ही होंगे। अच्छा शर्मिंदगी होती है मुझे। अच्छा ओके जब मैं छोटी होती थी ना, से मेरे स्कूल में ना वो जो है ना नेल्स रोज चेक किए जाते थे, तब हमारे नेल्स भी और उसके अलावा हमारे शूज भी, कि किसी बच्चे के शूज जो है वो गंदे नहीं होने चाहिए, वो पॉलिश होने चाहिए। ब्लैक कलर के हमारे शूज थे तो हमारे लिए हमारी टीचर भी चेक करती थी। और एक पूरे स्कूल में ना जिस तरह क्लास मॉनिटर होती है ना, इस तरह पूरे स्कूल की भी एक वो सीआर होती थी, तो वो भी चेक करती होती थी लाइन में लग के ना, तो नेल्स भी चेक होते थे। तो मैं ना नेल्स को ना बाइट करती थी, पता ना मुंह से चबाना गंदी बात होती है वैसे, तो मैं भी चुपाता ना हूँ। चबाया करो, उससे ये होता है कि जर्म्स है ना वो मुंह में चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो मैं ना छोटे होते वो नेल बच्चों बाइट, कर देता हूँ उसके बाद। लेकिन आप चबाया ना ना करो बेटे, ये देखो देखो इसके अंदर कितनी गंदगी है ना, ये हम जहाँ जहाँ गंदी गंदी जगहों पे हाथ रखते हैं ना, उसकी वजह से ना ये जो मैल होती है ना ये ब्लैक कलर की होती है, ये इसके अंदर चली जाती है। मामा तो फिर मैं ना नेल बाइटिंग करती होती थी, तो उसने जब कहना करना ना हमारी वो जो वो होती थी सीआर होती थी, उसने कहना चले सब आप अपने नेल्स दिखाएं, तो मेरे नेल्स जो थे वो होते ही नहीं थे, मैं नेल खा जाती थी। हाँ तो शूज जो होते थे मैं वो पॉलिश कर लेती थी। तो आप कह रहे तो हैं टीचर से आपको डांटनी पड़ती थी। हाँ कभी कभी हमारी टीचर चेक करती, नहीं टीचर ये मुझे मना करती थी सबा नेल्स ना खाया करो। मेरी एक टीचर होती थी जो मुझे ट्यूशन पढ़ाती थी, तो वो मुझे कहती थी पूरी उंगली खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो सबा पूरी उंगली खा लो। हाँ मुझे तंग करती थी ना वो कहती थी नेल बाइट करना ना बुरी बात होती है, नेल बाइट नहीं करने चाहिए, इससे ना जर्म्स जो है ना वो मुँह के अंदर चले जाते हैं, और ये अच्छी बात तो नहीं ना आपकी। अब दिखाओ मैं आपके जो कॉर्नर है ना वो देखूँ। अच्छा आपके नेल्स कौन चेक करते हैं दीदी, क्लास में टीचर नहीं करती? बुरी बात, आपने एक दिन मुझे आकर बताया था कि आपको टीचर डालिया ने कहा था वो इतनी स्टार्ट हुई थी ना, तब उनको पता ही नहीं है कि इसकी मामा ने ना इसके नेल्स की ना वीडियो बनानी होती है, तो इसकी मामा जल्दी जल्दी नेल्स काट दिए हैं। एक मिनट बस सुनो सर, ये जो कॉर्नर है ना, ये बेबी की हाँ बिल्कुल साफ और प्यारी, इतनी प्यारी आपने